देख ला कैसे उतार लिया। इसको छोटा पतरातू बोल सकते हैं। बाबा काफी सालों पहले मैं बहुत छोटा था, उस टाइम यहाँ पे आया था, एक बाबा आए हुए थे। मेहमान छो तो सड़सड़ाए के मार दे रहे हड़िया तरी हड़िया लखन मार ले और चखनों के खाते देखी कैसी होती बाबू। अच्छा आगे जा, गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, भरा जल्दी चखनवा दे बारे चखना दे। यहाँ लिया और एकदम झरझरा के पानी आवे लगले। हेलो गाइस, जोहार। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन थोड़ा सा करिया हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आज हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ पे बोटिंग करेंगे। यहाँ पे रखा हुआ है नाव और इसी से जाएँगे। और भैया वहाँ पर हम लोगों को अभी जैकेट दे रहे हैं, तो जैकेट थोड़ा पहन लेते हैं, सेफ्टी ज़रूरी है गाइस, है ना। तो चलिए। और ये भैया हैं जो अभी हम लोगों को बोटिंग करवाएंगे। क्या नाम भैया आपका? शंकर कुमार महतो। शंकर कुमार महतो इनका नाम है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पे जैकेट है, हाय कर दीजिए भैया। हाँ चलिए, तो यहाँ पे पहन लेते हैं जैकेट वा, नहीं तो कहीं डूबा जाएंगे, इससे थोड़ा सा दिक्कतें हैं, इसीलिए तो पहनना ज़रूरी है। इसको भी खपा लेते हैं। तो ये रहा बिलो जोला हुक, ऐसे करके चलो। और लगा, और लगा, और है तीन हुआ। अरे भाई तीनों लगा। तो भैया यहाँ देख सका ना, थोड़ा सा दिक्कत हो, नाव में पानी लीक करा था। तो गाइज हम लोग का बोट स्टार्ट हो चुका है। भैया वहाँ पे चप्पू चला रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए है ना। तो भैया थोड़ा सा कष्ट कर रहे हैं हम लोग के लिए, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, है ना। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए अभी हम लोग पहुँच जाएंगे। तो गाइस एक तरफ से ये देखा जाए तो इसको छोटा पतरातू बोल सकते हैं, क्योंकि उसी फील आ रहा है पतरातू टाइप का। और पहुँच चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मछली पूरा छटपटा रहा है। साजन प्रतीक आ चुका है, साजन प्रतीक आ चुका है। तो रुकिए गाइस, ये देखिए गाइस, जैसा कि भैया बता रहे हैं, इस मछली का वैरायटी है तेलापिया मोनोसाइक्स ना भैया। थोड़ा हमको भी बोलने नहीं आ रहा है। और ये रहा हमारा भैया जो जहर गाँव से आया है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मस्त लगा। और ये खलारी एरिया तुम घूमा थोड़ा बहुत, खदान वदान? हाँ घूमा। तो खलारी कैसा लगा? अच्छा लगा। अब मुरुक जोर गर्म उसको नहीं बताएगा। हाँ मुरुक जोर गर्म। हाँ। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग रांची वगैरह से हो गए, जहाँ से भी हो, वहाँ से भी ज़्यादा इधर गर्मी है। तो हम लोग अभी कुछ दिनों पहले रांची गए हुए थे, तो रांची में थोड़ा सा बढ़िया ही लग रहा था, लेकिन इधर जब आया ना तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा ना, क्या ही बताएं। ये भैया भी आया है, बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो भाई साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, देख के लग रहा है कि ले जाए घर का 2 किलो। हाँ तो ले बोल रहे हैं कि इकल्ले हैं, तुमसे होगा नहीं, इकल्ले बोल रहे हेल्प करना पड़ेगा। तुम क्या हेल्प करोगे भाई? एकदम भाई, हम तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस मछली बनेगा तो एक आध पीस देना होगा, ऐसी थोड़ी बोलते हो। अगर एक आध पीस नहीं दिया तो कढ़ाई उल्टा जाएगा भैया, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो प्लेस है, ये प्लेस यहाँ पे खिलान दौड़ा में है, कलकत्ता खिलान दौड़ा। और यहाँ घूमने फिरने के लिए अलाव नहीं है, बस यहाँ पे मछली पालन होता है। लेकिन भैया यहाँ पे हम लोगों को घुमा रहे हैं, तो भैया को बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। और भैया आप यहीं पर काम करते हैं? ये जो प्लेस है इसके बारे में मुझे बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन मैं यहाँ पर आ नहीं पाया। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, मौका मिला, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए। तो चलिए हम लोग अब सवार हो जाते हैं यहाँ पे नाव में, उसके बाद चलते हैं वापस हम लोग बाहर। बाहर जाने के बाद फिर हम लोग कुछ कुछ प्लानिंग करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आप लोगों को हम बताते हैं। रस्सी तो खोल गया। चलिए डोंगा मोर हिलेला डोलेला अरे बाबा। ओ तो डॉक्टर साहब क्या आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत एंजॉय लगा। एंजॉय लगा? का एंजॉय लगा? बहुत मजा लगा। का कर मजा लागलो? का मजा लागलो? कहियो बैठिए ना रे, आज फर्स्ट टाइम बैठले। पहली बार हो काहे कि जून मजा लागत रहो तो के है ना, हवा लागत रहो। और अब कहाँ जाकर प्लान हो? 9 नंबर चल आया तो घूमिए लेते, मतलब आज खाली घूर के हो नहीं जाने तने 4-5 के बाद कैसे। तो गाइस यहाँ पर बोटिंग करे के बाद मुरुख मजा लगला। अब हमरे मन घर जाए के लिए थोड़ा तैयार हुआ था, जैकेट मन के खोलबू एखन यहाँ से ऐसे चिपे के पड़ी जोर जोर से, यो यो खुल गया आँख। ये अभी के दे देवा था भैया के। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिरसा चौक। अरे भाई ये वाला मंदिर वो वाला मंदिर तो नहीं ना है भाई, शायद हम यहाँ पे बचपन में आए हैं रे। अरे कसम से वही वाला मंदिर है भाई। तो गाइस ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे धमधमिया में हैं, और ये जो मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा था काफ़ी सालों पहले मैं बहुत छोटा था उस टाइम यहाँ पे आया था, एक बाबा आए हुए थे, और अभी इतना बड़ा होने के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। तो हम लोगों को इधर से जाना हुआ इसीलिए यहाँ पे देखे तो हमको वो बचपन याद आ गया, इसीलिए थोड़ा सोचे यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना लेना चाहिए था। तो गाइस अब हम लोग दूसरा प्लेस में आ चुके हैं, और यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, और ये लोग को देखिए यहाँ पे डेरा जमाया है। तो कैसे भाती लाइन हन टिफिन में निकाली तो दिखाई तो हम पब्लिक मन देखे ले बेसब्री से इंतजार कर देते हैं। क्या लाइन है ठंडा हको। ओ भाई हरिया वाला चखना हको। चले धार के धार तो धार के पिया रहे के गरमाता हो। अब मेहमान छुआ के देहान हुने एकले के लिए अलगे रहिला हुआ मेहमान छुआ। ये रखना पड़े ओ चाना के लाइन हम झाल मुड़ी लाइन है तीन बताही पार में और का लाइन है तो झाल मुड़ी है का इके तो गिराल हन। अरे माल के उझल देलन बैग में कोई बात नहीं कैसे होता है कैसे मामला करे तो को खुला दिया खोला। तो गाइस ये वाला जो चना का झालमुड़ी बनवाया है तूने इतने स्वाद बनवाया है तूने एकदम मुरुख जो झाल और मुरुख जो स्वाद। अगर भात है ना भात भूख लगा था कुछ नहीं कष्ट में तो चिंता टिफिन दे रही नहीं बात नहीं डाल दी बुला गई ठीक नहीं कर रहा हूं जो तू। हां 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 ओके उतने दिन ओने पीएल जादे भोराय दिन मेहमान छवा के भोराय दिन कैसन आराम से सथाए के सांस ले ले तो आराम से पी। मेहमान छवा तो सड़सड़ाई के मार दे हड़िया तरी हड़िया लखन मार ले और चखनो के खाते देखी कैसी होती बाबू ऐसा कर रहना महुआ लखी एकदम सड़सड़ाई के मार लेन और चखना के मारा थन। अरे बाबा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये दूसरा प्लेस है। अभी हम लोग फिलहाल उधर थे खिलान थोड़ा में, और ये अभी हम लोग इधर धमधमिया बिरसा चौक घुस के इधर आए हैं। ये देख सकते हैं ये भी शानदार सा प्लेस है। वहाँ पे एक ही नाव था, यहाँ पे 5-6 नाव लगा हुआ है, और भैया लोग उधर मछली मार रहे हैं ये देखिए। और हमके ठंडा के एक बार दे हथिन अपन 3-3 बार ले हथिन तो भोरा पूरा भोरा। अच्छा आगे जा गद्दारी करबे भोरा जल्दी पूरा गिलास। देख रहे ना गाइस ये सब नाइंसाफी है कि नहीं है। आपने 3-3 बार ले लिया और हमको देख रहे ना गद्दारी करवाया भोरा पूरा गिलास के। तो मोराबो तो के खाना हम होलाऊ रे, होला होला उझला जाता हूँ। चखना दे बारे चखना दे आइए माइए। अरे चखना सब ले तू रे तो गाइस अब क्या करिए, यहाँ पानी आवा तो मुरुक जोर से देख सकना। अरे भाई अरे माँ मैं बचल जागो नहीं रे बाबा, कहाँ जाइए रे। अरे भागर गांठ नीचे नहीं जाना हो, भाग ऊपर भाग ऊपर। ये देखिए गाइस अचानक से पानी आने लगा। यहाँ आ लिया और एकदम झरझर रहा है कि पानी आवे लगले। ये देख सकना अभी तो मौसम के थोड़ा सा साफा करत हो, लेकिन एखन कुछ देर पहले बहुत खतरनाक टाइप से पानी देवत रहो बाबा। काहे के जुन कहिए ला ऐसा पानी आवल मतलब बंदरा बंदरी कर शादी हुआ था और थोड़ा थोड़ा रौद रहा है खान। तो ये देख सकते हैं और ये बहुत शानदार सा प्लेस है। ये लोग जा रहे हैं वो टकला नहाने के लिए कलकला रहा है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत खतरनाक टाइप से उतरिए होला, तो एखन हम बहुत खतरनाक टाइप से उतरबो। ये भैया के जाए दी है न, तो 1 2 3 देखला कैसे उतार लिया। और यहाँ इतना सारा नाव लगल हो देखा। और अब अचानक से धूप आ जाए हो, ये देख सकना आँख में पड़ा था। और हमारे यहाँ बसंती खड़ा है। बात ऐसा है ना, यहाँ डॉक्टर साहब रील्स बनाने आया था लेकिन यहाँ इसको गाना नहीं मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अभी कौन सा नागपुरी गाना पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ताकि डॉक्टर साहब वही नागपुरी गाना में रील्स बना सके, है ना। जल्दी से कमेंट कीजिए गाइज, जल्दी से आसरा देखा था वहाँ। तो गाइज हम लोग सोचे थे यहाँ पर जाके मतलब यहाँ पर आके हम लोग भी बोटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर कोई है ही नहीं है, पायलट वायलट कुछ दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, बर्दाश्त करके घर चल जाएंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। पायलट लोग रहता तो इधर उधर उड़ाता नाव को, लेकिन कोई है ही नहीं है। तो गाइस हम बहुत जोर करिया हो चुके थे इसीलिए गोड़ हाथ धोआ लिए है। मुँह कान देख सकते हैं, चिकन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलता है। कैसे चिकन दिखेगा, गोड़ हाथ धोआए हैं यहाँ धमधमिया 9 नंबर खदान में। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। लव यू झारखंड, सबके जोहार।